क्रोध कोई वस्त्र नहीं है कि उतार कर दास दासियों पर फेंका जाए। क्रोध तो उसी पर उतारा जाता है जो क्रोध का कारण हो। मुझे बताओ बात क्या है। क्या बताऊं मित्र, एक नागिन मुझे टसकर उलट गई है जिसका विष मेरी नसों में रस रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो मित्र? कैसी नागिन, कैसा विष? मैं अपमान की अग्नि में जल रहा हूं मित्र, और ये जलन मुझसे सही नहीं जा रही है। ये अग्नि मेरे भीतर भभक रही है, और यदि ये अग्नि मुझे भस्म नहीं कर सकी तो इससे बचने के लिए मैं स्वयं अग्निकुंड में कूद पड़ूंगा। अपमान का ये कलंक मेरे माथे पर किसी वृक्ष की भांति उग आया है जो हर एक क्षण के साथ बढ़ता ही जा रहा है, और मुझे इससे बचाव का कोई मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। यदि यह अपमान कोई वृक्ष है तो तुम्हारा यह मित्र उसे जड़ से काटने की शक्ति रखता है, और यदि यह अपमान अग्नि का कोई सागर है तो तुम्हारा यह मित्र अपने वाणों की वर्षा करके उस अग्नि के सागर को ठंडा कर देगा। और यदि मुझे तुम्हारी मित्रता पर गर्व है कर्ण, मैं जानता हूं यदि आवश्यकता पड़ेगी तो तुम मेरा जीवन काल बढ़ाने के लिए स्वयं अपना जीवन दे दोगे। यदि मेरे सामने मेरी मृत्यु खड़ी होगी तो तुम मेरे स्थान पर मरने के लिए भी तैयार हो जाओगे, परंतु नहीं, यह अपमान का क्षेत्र है, और यदि अपमान का बदला स्वयं न लिया जाए तो घाव भरने की जगह घाव और गहरा हो जाता है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो तुम्हारा अपमान करने का साहस कर सके। महावीर, महारथी, सर्वश्रेष्ठ गदाधर दुर्योधन का अपमान तो स्वयं इंद्र भी नहीं कर सकते। मेरा अपमान किया है उस पांच पतियों वाली द्रौपदी ने, और मैं उससे अपने अपमान का बदला अवश्य लेकर रहूंगा, और मैं उससे तुम्हारे अपमान का बदला भी लेकर रहूंगा मित्र। उसका वो वाण मेरे हृदय में अटका हुआ है जो उसने अपने स्वयंवर में तुम्हारी ओर चलाया था। उसने मेरा अपमान नहीं किया था, उसने तो मुझे बस राज्यसभा में मेरा अपना स्थान याद दिलाया था। तुम्हारी कृपा से अंगराज होने के पश्चात भी सूतपुत्र तो मैं हूं ही, और तब तक सूतपुत्र ही रहूंगा जब तक स्वयं मेरी माता आगे पढ़कर मुझसे मेरा परिचय न करवा दें। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक तुम्हारा यह मित्र एक डूबा हुआ सूर्य है, और एक डूबा हुआ सूर्य ही रहेगा, अपने अंधेरे की गुफा का बंदी। इसलिए मेरे मान अपमान की बात ना निकालो, परंतु द्रौपदी, उसे तो तुम्हारे अपमान का दंड अवश्य ही मिलना चाहिए। मुझे आदेश दो कि मैं तुम्हारे घाव पर लगाने के लिए इंद्रप्रस्थ का भस्म ले आऊं, और यदि स्वयं बदला लेना चाहते हो तो सेना लेकर चलो और इंद्रप्रस्थ की ईंट से ईंट बजा दो। अरे तुम ये दिन रात रणभूमि में ना खड़े रहा करो अंगराज। योद्धा होने का ये अर्थ नहीं है कि ना दिन देखो ना रात, बस धनुष पर वाण चढ़ाए खड़े रहो। तो फिर अपमान का बदला कैसे लिया जाता है मामाश्री? बुद्धि से बढ़कर ना कोई शस्त्र होता है अंगराज, और ना ही कोई अस्त्र। अरे मैं तो ये कहूंगा कि जीजा श्री के अनुज पुत्रों ने राजसूय यज्ञ कर ही लिया है, अब हस्तिनापुर को भी तो चाहिए कि उनके सम्मान में एक समारोह आयोजित करे। जब समारोह होगा तो चौसर तो जमेगी ही। सम्राट युधिष्ठिर से मैं एक बार हार ही चुका हूँ, तो क्या मुझे एक अवसर और नहीं मिलना चाहिए?
मैं तुम्हें वचन देता हूँ प्रिय दुर्योधन कि अब की बार जुए में यदि मैंने सम्राट युधिष्ठिर को कंगाल ना बना दिया तो वनवास ले लूंगा। अरे इंद्रप्रस्थ में मैं बिन कारण ही नहीं हारा था, इसी हार से तो तुम्हारी जीत का मार्ग निकलेगा। मुझे आ गया तो मित्र। तुम्हें तो चले ही जाना चाहिए अंगराज, क्योंकि ये समझदारी की बातें हैं जो तुम्हारी समझ में नहीं आएंगी। मेरे शब्दकोश में षड्यंत्र का अर्थ समझदारी नहीं है। प्रणाम।